खाओ का रेडी हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि अब तक जितना हम लोग क्या क्या किए हैं आप लोगों को पूरा सीन दिखाने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और गाइस यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए हमारे गाँव में कितना बंदर आ रहे हैं। हमारे गाँव में हट इतना बंदर आ गए हैं जो कि हम लोग का फसल नष्ट कर रहे हैं, जो काकर खीरा होता है सब्जियां और आम का जो भगवान उसको भी नष्ट कर रहे हैं। देखिए जा रहा है आम के पेड़ पर जाएगा और यहाँ पर है। मारो 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 उसको, मारो 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 मारो, दौड़ का दौड़ का। और देखिए वहां पर, और यहाँ पर कितना है देखिए, लग रहा है कि बंदरों का पेड़ है यहाँ पर। देखिए देखिए सब फसल नष्ट कर दे रहे हैं जो काकर खीरा बोए हुए हैं हम लोग, और आम को तो सिर्फ गुठलियां छोड़ रहे हैं। देखिए किस तरह हट लग रहा है, देखिए वो सूखा पेड़ पर, देखिए ऊपर चढ़ गए हैं। इन लोगों को भागना जरूरी है, उस साइड बैठा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। कम से कम बता रहे तो 50 से अधिक बंदर आए हैं यहाँ पर, देखिए भाग रहे हैं। हम लोग के बस की कोई बात नहीं है, देखिए देखिए अभी भाग रहा है, सब कोई भाग रहे हैं। अब हम लोग के बस की बात नहीं है इन लोग को रोकना। देखिए देखिए अभी उतर रहे हैं उस साइड से, और देखिए लाइन किस तरह लगाए हुए हैं भागते हुए। गाइज इन लोगों को भगाने के लिए कुछ सुझाव कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। देखिए आम के पेड़ पर चल गए हैं, उसको पूरा खत्म कर देंगे आप। देखिए वो सीधे जा रहे हैं अब। देखिए लग रहा है इन लोग के पिताजी का ये सब पेड़ है, इसे सब बैठे हुए हैं। देखिए भाग रहा है, देखिए किस तरह लाइन से आ रहे हैं। देखिए लग रहा है इन लोग का बाप का इधर खेती है। देखिए किस तरह, हाँ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो है उन लोग का सेठ है, सरदार है, यही यही बुलाया है और आगे आगे चलकर साला रास्ता दिखा रहा है और बहुत एक कमीना काम कर रहा है। श्री मनसा रामपुरम स्थान के जितने आम के पेड़ हैं और आम फरा हुआ है सब नष्ट करवा रहा है, यही है। देखिए किस तरफ सबको रास्ता दिखा रहा है, अब सब आएंगे। कितना कातिया लग रहा है। देखिए गाइस यहाँ पर मंजीत प्रजापति आम बीन रहे हैं और यहाँ पर सलाद की व्यवस्था होगी जो छिलका कहलाता है। एक यहाँ पर है, देखिए लाइन से हो इन लोग का सरदार राह दिखा दिया है इन लोगों को जाने के लिए, और ये सब जाएंगे। आम को थोड़ा यहाँ पे इकट्ठा करके रख देते हैं यहाँ पर। देखिए आम आपको दिखाई दे रहा है ना, इन लोगों को इन लोगों का सरदार रहा दिखा दिया है। अब ये सब शुरू हो गए हैं जाने के लिए और जाएंगे ऐसा जगह, देखिए आम जहाँ पर बहुत ज्यादा हो, पूरा आम को अब नष्ट कर देंगे। देखिए लग के छोटे बच्चे को यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पकड़ रही है, देखिए किस तब कितना तेजी से या। तो दिखा चुके हैं कि आम का व्यवस्था हो चुका है और चल रहे हैं खेत में से प्याज उखाड़ने के लिए। इसी के खेत में जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना, और इसी के खेत में से चल रहे हैं प्याज उखाड़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे छिलका कैसे बनता है, आपको बताएंगे कि इसके प्याज के खेत में आ गए हैं।
भाई क्या बैठा हुआ है इसका, प्याज कोई काम का नहीं है लग रहा है। अब देखिए कैसा आपको दिखाई दे रहा है, कितना छोटा छोटा है इसका, तो समझिए कि एक लहसुन का छोटा सा गांठ होता है उसके बराबर है। और उस साइड चलते हैं, देखते हैं खेत में प्याज। देखिएगा जी यहाँ पर है प्याज, मिल रहा है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और इस साइड थोड़ा बड़ा बड़ा बैठा है। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। इसको उखाड़ो, इसको इसको उखाड़ते हैं। चलो चलो बस हो जाएगा, दो ले लो ले लो। प्याज ले लिए हैं, दिखाओ। और इतना सा प्याज है आपको दिखाई दे रहा है, इतना में तो हो जाएगा, सिर्फ 4 से 5 लोग हैं। गाइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, 6 आम हो गया है और छिला गया है। यहाँ पर देखिए प्याज आप कटाएगा, और ये तो है एकदम पेटू आदमी आपको दिखाई दे रहा है ना। हाँ ये रहा नहीं जाता। दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्याज हम लोग काट दिए हैं, जिसको ओनियन बोलते हैं, और इसको काट दिए हैं। उसके बाद मैंगो को काट रहे हैं, आम को आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। आधा पैकेट इसको लाई डाल रहे हैं, और यहाँ पर रेडी है आम काट कर, उसके बाद प्याज काट कर। देखिए यहाँ पर लाई पड़ गया है, और उसके बाद यहाँ और डालो, और उसके बाद यहाँ पर देखिए नमकीन डाल रहे हैं, 10 रुपए का है पूरा नमकीन। देखिए 2 पैकेट जलजीरा डाल रहे हैं, 2 पैकेट इसको फारो इधर से इधर। और उसके बाद दिखाई दे रहा है आपको चिली पिकल्स है, और इसमें 2 डाल दे रहे हैं आपको। चिली पिकल्स है जो मिर्चा का अचार कहलाता है उसको। और 2 डाल दिए हैं, और उसके बाद हल्का सा नमक डाल रहे हैं, साल्ट आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसको पूरा मिक्स कर देते हैं। आप लोग कहेंगे कि थाली नहीं मिला है, लेकिन हम लोग गांव के हैं, देसी जुगाड़ है, सिवान में समझिए कि बगीचे की तरफ बना रहे हैं इसको।
फन का पूरा रेडी हो गया है। आप लोग के तरफ इस तो क्या बोलते हैं, हम लोग के तरफ तो इसको सलाद बोलते हैं और आम का छिलका बोलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग के तरफ क्या इसको बोलते हैं। और गाइस देखिए यहाँ पर हम लोग खाना स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोगों के मुंह में तो पानी आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, और खाइए। एहे रहा नहीं जाता। मजा आ रहा है खाने में। गाइस खाओ, सब रेडी कर दिए हैं और खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।